पार्टी के समाज पदाधिकारीगण एवं समस्त देशवासियों को आज़ादी के इस 75 पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, आज भारत देश पूरे हर्षोल्लास के साथ आज़ादी के 75 वर्षों का महोत्सव मना रहा है। ये बहुत ही प्रसन्नता और खुशी की बात है भारत देश के लिए, क्योंकि साथियों आपको अभी बात ज्ञात होगा कि आज़ादी के 75 वर्ष हमारे महान क्रांतिकारियों की बहुत ही क्या कुर्बानी और समर्पण के बाद हासिल हुए हैं। हमारे देश के महान क्रांतिकारियों ने दिन रात संघर्ष करके अंग्रेजों को भारत से भगाने का रणनीति बनाई और उन्होंने प्रण किया कि इन अंग्रेजों की गुलामी से भारत को मुक्त कराएंगे और आज़ाद भारत में एक हम ऐसा भारत बनाएंगे जिस भारत के अंदर इस देश का समस्त मानव जाति सुख शांति और प्रेम के साथ रह सके, प्यार से रह सके। तो साथियों, हमारे महान क्रांतिकारियों ने एक सपना देखा था कि भारत को एक नए भारत के रूप में बना लेना। ये जब आज़ाद भारत की जो है बात दो हमारे अपने लोगों के हाथ में आए तो भारत का जो स्वरूप है एक नए रूप में इस धरती के सामने दिखाई दे। जैसे कहावत है कि भारत जो है पहले विश्व गुरु हुआ करता था, और हम और राष्ट्रीय पार्टी ये दोबारा चाहती है कि वो ख्याति वो प्रसिद्धि भारत को दोबारा हो और भारत अपने विकसित और विकासशील कार्यक्रमों से, अपने योग के माध्यम से, अपनी नीतियों के माध्यम से पूरे विश्व में दोबारा विश्व गुरु बने, ये राष्ट्रीय जनता पार्टी की मांग है। तो साथियों, इस 75 वर्ष की आज़ादी के महापर्व में देश के सभी लोगों को मिलकर एक साथ एक पाखंड के साथ रहना चाहिए और आशा करनी चाहिए कि आने वाले जो 100 वर्ष इस देश में हम लोग मनाएं वो भी पूरे प्यार हर्षोल्लास के साथ मनाएं और देश हमारा इसी तरह विकसित और विकासशील होता रहे, ये हमारी मुहिम होनी चाहिए। साथियों, राष्ट्रीय जनता पार्टी भारत के अंदर एक जमीनी आंदोलन है जो देश के अंग्रेजों के जो नीति थी उसका बहिष्कार करके, उसको समाप्त करके हमारे महान क्रांतिकारियों का जो सपना था उसको साकार करने के लिए राष्ट्रीय जनता पार्टी वचनबद्ध है और भारत को नया भारत बनाने के लिए राष्ट्रीय जनता पार्टी वचनबद्ध है। हम भारत को एक ऐसा स्वरूप देना चाहते हैं जो हिंदुस्तान में आते